और एक बार लोकेशन देख लो, फिलहाल सारा मार्केट बंद पड़ा है, लोकेशन देख लो, सबसे मेन है ना वो हनुमान जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी, ये देखो वो जो हनुमान जी की मूर्ति है ना आपको, सबसे मेन है वो, ये हमारी शॉप के जस्ट अपोजिट है। आपको आना कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ आना है आपको हनुमान जी की मूर्ति पर। स्टार्टिंग के अंदर निंजा 400 जो इसकी भी मिलती है आपको, पूरी की पूरी 3 स्लाइडर जो किसी ने इंस्टॉल कर दिए गए हैं विद केसिंग होता है, ये भी सिमटेक के ओरिजिनल जो मैंने आपको आगे दिखाया था वही सेम। आपको दिखाएंगे इसके अंदर अपने पास आई हुई है निंजा 400। इसके अंदर बहुत सारा काम होना है जो कि आपको पता है नई बाइक के लेने के बाद एक्सेसरीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, फ्रेम स्लाइडर, फॉक्स स्लाइडर, मोबाइल होल्डर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ये भी इसका ओपन हो रहा है, व्हील का बोर्ड इसके अंदर लग रहा है, इसके अंदर फॉक्स स्लाइडर एंड इसके अंदर अभी स्लाइडर्स भी लगेंगे और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं दिखाऊंगा इसके अंदर एक्चुअल में काम हुआ क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर निंजा 400 जो कि इसकी मॉडिफिकेशन हो रही थी छोटी शॉप पर और वहाँ पर मल्टीपल बाइक्स गए थे इनका काम हो रहा था आपका तसल्ली पर। अब ये रेडी हो चुकी है हमारे पास, ले अब मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा। ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा निंजा 400 का टॉपिक है, इसके अंदर दिखाता हूँ आपको क्या क्या लगाया गया इसके अंदर। ये देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर मिलेगी इसके अंदर फॉक्स स्लाइडर जो लगा दिया गया इसके अंदर, इससे आपके शॉकर, आपके डिस्प्ले, यूएसबी प्लेट ये सब होते हैं आपके सेफ। इस तरफ भी सेम इस तरह गाड़ी का कलर मैचिंग का किया गया, ये आपकी गाड़ी ग्रीन है तो ग्रीन ही इसके अंदर लगा दिया है। सेफ्टी भी प्लस इसकी लुकिंग भी नाइस हो जाती है इसे लगाने के बाद। साथ में आपको पीछे देखने मिलेगी निंजा 400 की ओरिजिनल, निंजा 400 की ओरिजिनल रेडिएटर गार्ड जो देखने मिलता है आपको, ये आपकी स्टेनलेस स्टील वाली और ये करता है रेडिएटर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। क्योंकि रेडिएटर जो होता है ये सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर इसमें कोई पत्थर वगैरह लग गया तो ये डैमेज होने के बाद ये पूरे की पूरी बाइक आपकी स्टॉप हो जाती है, तो उसको स्टॉप ना होने दें। एक छोटा सा पार्ट लगने फुल हो जाती है आपकी बाइक सेफ, क्योंकि कूलर निकलेगा, कूलर निकला गाड़ी ओवर हीट होगी तो वो बंद हो जाएगी ऑब्वियसली। तो ये इसके अंदर लगा देगा रेडिएटर गार्ड। साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर देखते हैं इंडिकेटर बल्ब जो कि मिलता है आपको सिमटेक ओरिजिनल, ये देखिए सिमटेक ओरिजिनल इंडिकेटर बल्ब है। साथ में इसमें लगा देगा हैजार्ड जो कि मिलता है आपको, ये भी सिमटेक ओरिजिनल का मिलेगा आपको और इसकी भी मिलती है आपको पूरी की पूरी 3 साल की गारंटी बल्ब की विद कार्ड, कार्ड नहीं होगा तो कोई गारंटी नहीं होगी। साथ में आपको मिलता है इसके अंदर हैजार्ड जिसकी आपको मिलती है पूरे के पूरे 1 साल की गारंटी, जिसमें आपके 20-25 पैटर्न के अंदर एक्टिवेट आपके हो जाते हैं इस हैजार्ड के अंदर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका लीवर गार्ड जो कि ये सुपर बाइक है, तो सुपर बाइक में सुपर बाइक वाले ही लीवर गार्ड लगा देंगे, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। इसे लगाने के बाद आपके लीवर और आपके हैंड ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्शन वाली चीज़ है। और गाड़ी का जो कलर है वो ग्रीन है, ग्रीन ब्लैक है, तो ग्रीन ब्लैक की मैचिंग दी गई है, ब्लैक एंड ग्रीन देख सकते हो आप, लुक काफ़ी एनहेंस हो जाते हैं। साथ में सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाती है आपके हैंड की और लीवर की भी। इधर भी मिलेगा देखो सेम मिलेगा आपको, इस तरफ भी देख सकते हैं पूरा जनरल प्रॉपर फिटिंग वाला है। और इसके बाद दिखाऊंगा आपको मोबाइल होल्डर जो कि मिलता है आपको सिमटेक ओरिजिनल फास्ट चार्जिंग, यूएसबी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग 3.0 वाला ये आपका मिलता है ओरिजिनल मोबाइल होल्डर। इसकी मिलती है आपको 1.5 ईयर की गारंटी, पूरे 18 मंथ की इसकी मिलती है गारंटी। जब भी खराब होगा ये आपका होगा सीधा चेंज, काउंटर रिप्लेसमेंट, बस कार्ड लाना जरूरी है, बिना कार्ड के कोई आपका चेंज नहीं होगा। और इसमें मोबाइल लगाने के बाद चार्ज तो हो ही जाता है, साथ में GPS वगैरह ऑन निकल जाए किसी भी अपनी राइड पर, चाहे छोटी राइड हो चाहे बड़ी राइड हो, राइड हो जाएगी आपकी इजी, क्योंकि ये जो काम है बहुत अच्छे से करता है और इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है सिमटेक ओरिजिनल की। और अब दिखाता हूँ आपको ईवोटक के ओरिजिनल इसके अंदर फ्रेम स्लाइडर जो कि देखने मिलेंगे आपको इस तरफ। पहले मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये इसका ईवोटक के ओरिजिनल फ्रेम स्लाइडर जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं विद केसिंग होता है, केसिंग भी इसके अंदर लगी हुई है और लुक देख लो कितनी जबरदस्त। ये होता है निंजा 400 के ओरिजिनल, निंजा 400 का ओरिजिनल फिटिंग है, कोई जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड है आपके। इधर ये इधर भी दिखाइए, उधर देख लीजिए आप, इस तरफ भी देख लीजिए आप, ये देखिए जैसे आपने उधर देखा ऐसे इस तरीके देख लीजिए। ये आपके ईवोटक के ओरिजिनल लगा दिए गए भाई साहब, फुल्ली सेफ्टी। गाड़ी गिरने के बाद आपकी पूरी फेयरिंग होती है सेफ, हैंडल वैंडल सब कुछ, टैंक वैंक सब कुछ होता है आपका पूरी तरीके से सेफ। और एक बार दोबारा से ना इसको चेकआउट कराओ कि फिटिंग किस तरीके की होती है। इधर दिखाइए, इधर से ये देखो, ये इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये होती है केसिंग इसकी, और ये केसिंग होती है पूरी की पूरी आपकी एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम केसिंग होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, पूरा इतना बड़ा पार्ट होता है इसका केसिंग का जो इसके अंदर लगता है। साथ में फिर आपके लगते हैं आपके स्लाइडर, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं, कोई लोकल नहीं, कोई थर्ड क्वालिटी नहीं, बहुत ही जनरल क्वालिटी के इसमें लगा दिए। साथ में बैक साइड में देख सकते हैं आप, जैसे इंडिकेटर बल्ब आपके आगे थे उसी तरीके से बैक साइड में आपको मिलेंगे इंडिकेटर बल्ब, ये भी सिमटेक के ओरिजिनल जो मैंने आपको आगे दिखाया था वही सेम मिलते हैं आपको इस तरफ। ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए, और साथ में आपको दिखाऊंगा अंदर, इधर आइए, इसमें लगा दिए गए हॉर्न जो कि आपको मिलते हैं हैला के ओरिजिनल, ये आपके हैला के ओरिजिनल
हॉर्न जो कि इसके इंस्टॉल कर दिए गए हैं, साउंड सुन लीजिए आप, काफ़ी ज़बरदस्त साउंड होता है, क्योंकि इन बाइकों में ना बस कंपनी एक ही चीज़ गलत करती है कि इनके हॉर्न सिंगल डालते हैं, छोटे से हॉर्न डालते हैं, साउंड इतनी नहीं होती है, रोड पे ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं इसकी वजह से। तो इसमें डबल हॉर्न लगाने से क्या होता है, लोगों को भी सुनाई देगा और आपको भी पता मैंने हॉर्न बजाया है। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, और मैं मिलवाना चाहूँगा इस बाइक के ऑनर से कि उनको हमारा काम कैसा लगा और भैया कहाँ से आए हैं। तो ये हैं इस बाइक के ऑनर। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया। और कहाँ से आए हैं ये बताइए, काम कैसा लगा आपको? भैया हम आए हैं गुड़गांव से यहाँ पे, एंड पापा की नोन शॉप थी, एंड काम बहुत अच्छा था, बहुत सही आपने लगा दिया है, और आपने सजेशन जो दिए थे वो सब अच्छे हैं, बस ऑल अबाउट सेटिस्फाइड। यस। अगर कोई और आना चाहे क्या रिकमेंड करेंगे आप? हाँ ज़रूर आए वो। ऑल इंडिया से? हाँ जी। आप कहाँ से? फॉरन से भी आ जाएँ। फॉरन से आते हैं वैसे ऐसी बात। अच्छा आ जाओ। आप कहाँ से आए वैसे? हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से है। नाम क्या आपका? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार जी, तो ये अंकुश कुमार जी आए हैं हरियाणा से, गुड़गांव से। गाड़ी भी देख लो बिल्कुल नई है, और इतनी नई गाड़ी जो भी आती है, जैसे ये भी नई होगी, ये भी नई होगी, नई गाड़ियाँ लाते हैं बंदे ट्रस्ट पर, सही करूँ गलत करूँ सर? हाँ जी। और ट्रस्ट पर हम खरा उतरते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमें नॉलेज है काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सामान क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए। तो ये नॉलेज जहाँ पर हो, जहाँ पर एक्सपीरियंस हो, वहीं से आप काम करें। जरूरी नहीं कि मेरे पास ही करें, किसी भी अदर शॉप से करें, पर नॉलेज वाले बंदे से कराओगे और जिसको काम आता हो वहाँ कराओगे, तो आपकी बाइक जो है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि इसमें ना तो कुछ टूटेगा ना ही फूटेगा, पूरी सेफ्टी वाला फीचर इसके अंदर आपको देखने मिलता है आपको। तो ये आपने देखी लिया, ऑल अबाउट सेटिस्फाइड भैया हो चुके हैं। आपको भी अपनी किसी भी ऐसी बाइक का काम कराना है तो आपको आना है सीधा राजू भाई के पास, जो कि मिलती है आपको शॉप मेन रोड पर, आर्य समाज रोड पर, और जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लिंक भी मिल जाएगा लोकेशन का, और स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, आप चाहो तो वहाँ से भी कॉल करके आप लोकेशन मंगा सकते हो। और अपना शॉप का लोकेशन बहुत ही ईजी है, एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी आपको मेन रोड पर, जंडवल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट गोल चक्कर पर है, और दूसरी उसी से अंदर आएंगे तो आर्य समाज रोड पर, तो थोड़ी सी आगे आकर पहले चौक पर एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी आपको हमारी शॉप पर, जो कि मिलेगी आपको राजू भाई की शॉप, वहाँ बस हनुमान जी की फ़ोटो देख लें समझ लें वही मेरी शॉप है, क्योंकि मार्केट में किसी के पास ऐसा बोर्ड नहीं है ऐसी जो बालाजी महाराज की फोटो लगी है। तो ये मैंने आपको सिंपल सा लोकेशन समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। राजू भाई इस वीडियो को मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय श्री मंदिर, गुड बाय।